महंगी लाइफस्टाइल ने बना दिया चोर, ज्वेलरी दुकानदार निकला सरगना। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस ने राजधानी में सक्रिय एक ऐसे शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया है, जो अय्याशी व नशे की लत को पूरा करने के लिए रेकी कर बंद घरों व दुकानों में चोरी करता था। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े उस सुनार यानी आभूषण कारोबारी अमित प्रकाश को भी पकड़ा है, जो बद्धा कॉलोनी में विद्यावासिनी ज्वेलर्स के नाम से गहने की दुकान चलाता था। एएसपी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने बताया है कि इस गिरोह में सुनार समेत कुल 10 शातिर शामिल थे। पकड़े गए आरोपितों में सुनार अमित के अलावा गिरोह का सरगना राजीव नगर रोड नंबर 19 निवासी सुमित कुमार उर्फ कारू, महेश नगर रोड नंबर 3B का कुंदन पटेल, दुर्गा चौक का राजवीर उर्फ राजीव, मनीगाछी दरभंगा का कन्हैया कुमार उर्फ पीयूष, पटेल नगर का सूरज कुमार, महेश नगर का गुड्डू कुमार, महेश नगर रोड नंबर 4 का पंकज कुमार, लोदीपुर का मनीष कुमार तथा नॉर्थ पटेल नगर का ऋषि कुमार शामिल है। इन आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 10,000 रुपये नकद, हेडफोन, साउंड बॉक्स, स्पीकर, 7 पीस नोज पिन, 1 जोड़ी पायल, 3 पीस कान वाली, 2 चांदी की बिछिया बरामद की है। पाटलिपुत्र थाना प्रभारी एसके शाही का दावा है कि इन शातिरों द्वारा रेकी करने के बाद हाल ही में पाटलिपुत्र के उत्तरी पटेल नगर के निकट बाबा चौक निवासी खैबाल देव और राम प्रवेश प्रसाद के घर से चोरी की गई थी। बरामद गहने व सामान इन्हीं दोनों पीड़ितों के घर से चुराए गए थे। बरामद हुए चोरी के गहने पकड़े हुए सुनार अमित की दुकान में पाए गए। बदमाश रेकी कर बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे। वे घरों से नकदी व जेवरात सहित लैपटॉप, मोबाइल व महंगे सामान उड़ा लेते थे। बाद में शातिर गहनों को सुनार अमित प्रकाश को बेच देते थे। डीएसपी विधि व्यवस्था संजय कुमार ने बताया है कि आरोपित दिन में रेकी और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। धन्यवाद।